क्या बना था? सैंडविच बना रहा था ना शायद। खाने पीने जाएंगे तो हम आ गए थे, ये चेक कर रहे हो भाई। तो भाई ये आ गई अपनी कोल्ड कॉफी। आप थोड़ा मार्केट में काम है और फिर मॉन्स्टर उसको भी थोड़ा शोरूम पे लेके जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। और मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, बस बारिश आनी नहीं चाहिए। तो गाइस फटाफट चलते हैं मॉन्स्टर डे, तो मिलता है आपको भाई। तो गाइस अभी निकल गए अपने मॉन्स्टर लेके, थोड़ा सा मार्केट में काम है, वो काम करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे का। तो मार्केट में काम थोड़ा सा छोटा मोटा काम है, ज्यादा नहीं काम है। अरे इसको क्या हुआ, जीप किसको दिखा रही गाइस? जीप दिखा रही बच्ची, बताओ गाइस यार बेइज्जती। तो गाइस मौसम देख रहा हूँ एक ही नंबर हो रहा, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बारिश अब वैसे भी नहीं आनी चाहिए गाइस, क्योंकि तबाही मचा चुकी है बारिश ने। बहुत बहुत जगह अजमेर में पानी भरा हुआ है अभी भी, बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर दी इस बारिश ने। तो बारिश नहीं आनी चाहिए और गाइस नहीं आनी चाहिए यार, मॉन्सून अभी तो ठीक कराइए यार। और गाइस देख रहा हूँ देखो राजा जा रहा, राजा देखो भाई साहब, इससे पंगा लेना गाइस, चढ़ा देगा मेरे ऊपर। ये बोलेगा ठीक करान, जैसे भी नहीं छोड़ूंगा इसको, रुक। यार स्प्लेंडर गाइस, स्प्लेंडर गाड़ी, फॉर्च्यूनर लाया गाड़ी, स्प्लेंडर लाया। देखो फॉर्च्यूनर भी चल रही है, स्प्लेंडर भी चल रही है, यो मैन। और अपना घोड़ा भी चल रहा है गाइस, सॉरी मॉन्स्टर यार, घोड़ा नहीं गाइस, क्योंकि बहुत टाइम से घोड़ा चला रहे हैं तो घोड़ा 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 याद आता है। अब आ गई है मॉन्स्टर। ओ भाई साहब इसने तो हाथ दे दिया मेरे को, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा थोड़ी। हाथ भी कहाँ से दे रहा पता नहीं यार। चलो गाइस तो मार्केट का छोटा सा काम था वो कर लिया, अब जा रहे हैं एक बार शोरूम पे। शोरूम पे थोड़ा मोटा गाड़ी के लिए बात करनी थी और एक दो नट वट है वो लगवाना है भाई। तो कोई चक्कर नहीं है, मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश काम खराब कर देगी। मौसम बढ़िया गाइस, एक नंबर मौसम हो रहा है बाकी यार। मार्केट में तो ज़्यादा काम नहीं था, मोबाइल था उसकी बैटरी लगवानी थी तो वो लगवा ली। फिर वहाँ से शोरूम चलता है, शोरूम से फ्री होकर फिर उस खाने पीने जाएंगे गाइस, क्योंकि पता ना खाना पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाए पिए बिना तो कुछ मन नहीं लगता। चलो गाइस तो ये आ गया अपन शोरूम पे, छोटा सा काम वो करा लेते हैं फिर चलते हैं ऐसे आ गए। और इतनी सारी गाड़ियों से खड़ी यार, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी, देखो भैया। अरे आओ भैया, यार इसमें ना एक तो है ना ये मरघाट का नट नहीं है ना, एक तो ये लगवा दो यार, कट कट कर रहा है। और एक हल्का सा ये नट ये टाइट करा दो बस, बाकी तो ओके है। ये कट कट कर रहा है गड्ढों में बस, हाँ ये हैंडल, हाँ कट कट कर रहा है गड्ढों में, बाकी तो ओके है, गाड़ी पूरी परफेक्ट है। चलो गाइस तो ज़्यादा काम नहीं था, एक छोटा सा काम था, ये आगे हैंडल है ना, ये कट 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 कर रहा थोड़ा सा, तो ढीला था वो टाइट कर दिया है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, गाड़ी ऑलमोस्ट ओके है अपनी, कोई चक्कर नहीं है इसका। तो अब चलते हैं अपन कहाँ पे, कुछ खाने का ही जैसा बताया था आपको। खाना पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलते हैं यहाँ से अब 200 करते हैं कुछ खाने। मौसम एक नंबर हो रखा है अभी भी, ऐसे रहना चाहिए मौसम भाई साहब, भाई साहब। ओ हो यार कहाँ ब्रेक मार रहे हो? और गाइस आज कितनी सारी फॉर्च्यूनर दिख गई, देखो मेरे को यार 10-12 फॉर्च्यूनर तो देख ली मैंने अभी भी, मैं एक घंटे के अंदर अंदर देखो बताओ, बहुत सारी फॉर्च्यूनर है गाइस। चलो 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 चलो। तो गाइस जैसा बताया था आपको कि मार्केट से काम करके फ्री होके फिर जाएंगे कुछ खाने पीने, तो गाइस पता हम कहाँ जा रहे हैं मैं दिखाता है आपको, 3-2-1। ये चेक कर रहे हो गाइस, ये चेक कर रहे हो, अपनी मैम वापिस आ चुकी है, अम्मू का अड्डा। तो गाइस जैसा बताया था कि राइड से फ्री होके कुछ खाने पीने जाएंगे, तो हम आ गए थे, ये चेक कर रहे हो गाइस हमारी मैम के पास, अम्मू का अड्डा। ये तो खड़ा अपना मॉन्स्टर, और ये देख रहे हो गाइस, एक तो मैम ने नया ठेला आगे लगा दिया है और बहुत सारी चीज़ें चालू कर दी है, बहुत सारी चीज़ें। पहले मिलता था आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव, अब मिलेंगे मोमोज, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, और हम मिलेंगे यहाँ पे गाइस आपको सबसे बढ़िया था भी। हम यहीं पे खाने पीने आते रहते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, देखो मेन्यू कितना सारा है, देखो उल्टा वड़ा पाव,
शेजवान चाट, ये देखना गाइस बहुत सारा लिखा हुआ है यार। मेरे को तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा हम तो सिर्फ ये भाई एक एक खाते हैं उल्टा वड़ा पाव, और बाकी हमने एक सीधा साधा वड़ा पाव ट्राई किया था, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और कल हमने कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करी थी कल, तो ये मेनू चेक करो अगर आप। बाकी तो गाइस देख ही रहो आप, बाकी अंदर दिखाता हूँ आपको एक बार चल के। ये देख लो गाइस, ये लग गया नया ओवन। अरे मेन्यू भी चेक कर लो, मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, ये आप पढ़ लेना एक बार। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं गाइस, तो मुझे पढ़ना आता नहीं है। और ये कॉम्बो पैक मिल जाएंगे आपको, देख लेना जो भी है, 199 और 299 में कुछ ही। देखो 299 में ये मिलेगा, 399 में ये मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर भी मिल जाएंगे अवेलेबल हैं, तो अगर आपको अपने फ़ोन पे, बाइक पे, कार के पीछे लगाना हो तो यहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। गाइस ये बन रही है हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी, तो एक ये डाल दिया कॉफ़ी पाउडर, एक ये डाला है और एक ये डाला है और एक मेल डाल दिया, तो ये हो रही है रेडी। पता नहीं क्या डाला भैया ने यार, वहाँ पर डाल देंगे तो मीठा हो जाएगा ज़्यादा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइस ये डल रहा है कुछ स्पेशल क्रेपे पाउडर, दिखाना एक बार आगे से। ये नशा है गाइस। तो गाइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अपना चॉकलेट शेक। ये डल रहा है कुकरी कुकी क्रम्बल, ठीक है गाइस। इतनी अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। कुकी क्रम्बल होता ना यार, ये अपनी कॉफी का फ्लेवर है। तो गाइस ये आ गई अपने कोल्ड कॉफ़ी, आपको भी आना और ये जरूर ट्राई करनी है, और बहुत सारी चीज़ मिलेगी आपको, तो सब ट्राई करना है एक बार आपको। ये बन रहा है एक पनीर पिज्ज़ा, तंदूरी पनीर पिज्ज़ा, तंदूरी पनीर पिज्ज़ा, इसको ट्राई करेंगे। क्या डाल रहे हो? पिज्ज़ा सीजनिंग, बेक होने से पहले इससे अरोमा अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है, इससे बेक होता ना। चलो तो गाइस ये फाइनल लुक रेडी हो गया इसका, एक नंबर। इसका टेस्ट करो ना कैसा लगता है। ओ मैडम क्या बोला था आपने मेरे को, क्या खिला रहा था, क्या बनाया था, सैंडविच बना रहा था ना शायद। द नेक्स्ट डे तो गाइस वहाँ से फ्री हो गए, सीधा हम घर पर आ गए थे, ब्लॉग एंड नहीं कर पाए क्योंकि मैम के बहुत सारे ऑर्डर आ गए थे, तो मैम से बात नहीं हो पाई। तो कोई चक्कर नहीं गाइस, हम तो जाते रहते हैं, तो आपको भी जाना है, और जाना है तो क्या करना है, इंसर्ट स्किन पा रही है अम्मू का अड्डा, वहाँ जाना है, तो स्टोरी लगानी है जो भी खाओगे, और रिव्यू देके आना है गाइस। तो बहुत ही शानदार चीज़ बनेगी आपको अजमेर में, ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलने वाली है। और गाइस इसका एड्रेस होने वाला है आदर्श नगर मेन गेट शर्मा हॉस्पिटल के जस्ट सामने, तो गाइस जरूर जाना और कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करना। तो आज के लिए इतना, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो चलाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंसर्ट स्किन पा रही है फॉलो करना, क्योंकि जो वीडियो होती है वो आती इंस्टा पर, तो को करते हैं नंबर तक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।